मुंशी से मंत्री तक रामलाल राही, बाबूजी मतलब मोहब्बत की दुकान, कोशिशों से कामयाबी तक राही की कहानी, बिखरे मोतियों की डोर थे रामलाल राही, स्मृति शेष स्वर्गीय रामलाल राही, किस्सा नहीं किताब थे रामलाल राही। कांटों भरी राजनीति की डगर में लोकप्रियता का गुल खिलाने वाले बाबूजी, जिन्हें जमाना रामलाल राही के नाम से जानता है, राही के नाम से जानने और बाबूजी के नाम से पहचाने जाने वाले रामलाल राही का जन्म उनके ननिहाल गोपालपुर में 1 जनवरी 1938 को ढोंडे व जदुराई के बेहद गरीब परिवार में हुआ। परिवार के बड़े बेटे रामलाल राही ने राजनीति में बड़े कारनामे करने से पहले जीवन के उस संघर्ष को जिया जिसने एक अनुसूचित जाति के अति सामान्य से व्यक्ति को भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद तक पहुंचाया। बाबूजी के राजनीतिक सफरनामे के सुनहरे पन्ने पलटने से पहले एक नजर उनके प्रारंभिक जीवन पर डाल लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद पारिवारिक कारणों के चलते उनकी पढ़ाई आगे तक नहीं जा सकी। 10वीं कक्षा में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फरवरी 1948 में तकरीबन 10-12 बरस की आयु में उनका विवाह सुंदरी राही के साथ हो गया। 3 साल बाद अपनी पत्नी को विदा कराकर उन्होंने अपने ख्वाबों की दुनिया बसाई। नौकरी की तलाश में भटकने के बाद जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा किया। तब के एमपी रहे चौधरी परागीलाल के संपर्क में आने के बाद बाबूजी को किस्मत का साथ मिला। बताते हैं चौधरी परागीलाल ने बिना कोई किराया लिए अपनी दुकान की चाबी रामलाल राही को सौंप दी। इस दुकान को चलाने के लिए उनकी पत्नी सुंदरी राही ने अपने जेवर बेच कर 5,000 रुपए दिए थे। 1.25 साल तक कपड़े की दुकान चलाने के बाद उन्हें अपनी दुकान उधारी के चलते बंद करनी पड़ी। इसके बाद एडवोकेट एम के मेहता ने उन्हें अपना मुंशी बना लिया और यहीं से रामलाल राही नेताओं के संपर्क में आ गए। तब के जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे मुनीर अहमद खान से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कांग्रेस संगठन से जुड़ने के बाद उन्होंने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया, जिसके चलते 1965 के विधानसभा चुनाव में सिधौली से टिकट देने के लिए उनके नाम पर चर्चा हुई, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। कांग्रेस ने 1969 में हरगांव की सुरक्षित सीट से रामलाल राही को टिकट थमाया। रामलाल राही ने 10,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा की दहलीज को पार किया। 1977 में दोबारा हरगांव से विधायक चुने गए। 1980 के लोकसभा चुनाव को जीतकर उन्होंने संसद में कदम रखा। 1989-1991 में सांसदी जीतने के बाद 1995 में उन्हें पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने लोकप्रियता का ऐसा पहाड़ खड़ा किया जिसे लांघना बेहद मुश्किल है। रामलाल राही के परिवार में उनके बड़े बेटे रमेश राही को 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। दूसरा बेटा कैप्टन सुरेश राही 2017 व 2022 के चुनाव में विधायक चुने गए। वर्तमान में कारागार राज्य मंत्री के रूप में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में काबिज है। उनकी बड़ी बेटी विद्या राही, पुत्री पुष्पा राही, पूनम राही, नीतू राही अपने परिवार के साथ हैं। संघर्ष के पथ पर बाबूजी ने सीतापुर के लिए बड़ा संघर्ष किया। उनका जल सत्याग्रह बेहद महत्वपूर्ण था। रामलाल राही की दूरदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सीतापुर के विकास को निचले स्तर से ऊंचे पायदान तक पहुँचाया। नैमिष में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के संघर्ष के अलावा नैमिष में हवाई अड्डा बनाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सीतापुर से बहराइच नई रेल लाइन के लिए उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। बाड़ा और सीपेज की समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने अकेले अनेकों संघर्ष किए। नशा मुक्ति से लेकर अनुसूचित जाति में सुधार के लिए उन्होंने गांधी की विचारधारा को ढाल बनाया। उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। उनके बेटे प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने स्वर्गीय रामलाल राही की 86वीं जयंती पर शहर के होली नगर स्थित उनके द्वारा बनवाए गए एकलौते साईं मंदिर में माता सुंदरी राही की प्रतिमा की स्थापना कराई, जिसका अनावरण सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस रिपोर्ट में आई इंडिया स्वर्गीय राम राही का वह दुर्लभ वीडियो आपको दिखाने जा रहा है जो उन्होंने प्रदूषण और गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए उस बदबूदार पानी में पेटे सुरेश राही और किसान नेता उमेश पांडे के साथ बैठ गए थे,
जिस पानी के करीब खड़े होने से लोग कतराते थे। इसकी गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंची और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को मौके पर पहुंचकर उनकी मांग को मानना पड़ा। सत्याग्रह के दौरान सहारा समय संवाददाता पंकज सिंगौर से उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये जो निर्णय लिया है, ये आज आप गंदे नाली पानी में बैठने जा रहे हैं, कब तक बैठेंगे और किस तरीके से मांगे आपकी हैं? देखिए, ये अनिश्चित काल, इस अनिश्चित काल तक हम बैठेंगे, परंतु यदि वो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये हमसे वादा करता है, जनता को वचन देता है कि वो 90 दिन में 100 दिन में इन पर नियंत्रण कर ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए से ही पानी को, गंदे पानी को सीधे प्राकृतिक नालों नदियों में बहाएगा, और अगर कोई बहाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। अगर ये वादा हमसे करते हैं कि हम इतने दिन में कर डालेंगे, तो हम निश्चित रूप से इन्हें समय देंगे। हम कोई बहुत रिजिड होकर नहीं, हम तो इनकी सद्बुद्धि, जो कुबुद्धि है मिल मालिकों की और हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का जो निकम्मापन है, हम उनके कारण बैठने जा रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, ये कल से अपना पानी रोकें। एक बूंद भी पानी उत्तर प्रदेश के किसी नाले में बहेगा तो मैं कहीं ना कहीं बैठ जाऊंगा, ये पक्की बात है। कौन कौन प्रदूषण छोड़ रहा है पानी, गंदा पानी है? कौन कौन? ये चीनी मिले छोड़ रही हैं, अल्कोहल मिले छोड़ रही हैं। जिन मिलों में अधिक पानी डाला जाता है, कागज मिले छोड़ रही हैं, वो मिल अपना उत्पादन जो पानी के जरिए से करते हैं, सफाई करते हैं, वो सब औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो अपना कचरा छोड़ रही हैं। आपने चेतावनी भी दी? चेतावनी हमने 2 साल पहले लिखा, बोर्ड को हमने लिखा, बोर्ड का अधिकारी तो हमसे कोई पूछने नहीं आया। माफ करिए, अगर वो शब्द बोल दें उल्लू का पट्टा तो बुरी बात नहीं होगी, क्यों तकलीफ होती है, परंतु मिल मालिक आ गए हमारे पास, अरे बाबूजी ये क्या कर दिया, अरे बाबूजी ये क्या कर दिया। तो आप समझ लेना, ये कितना मिल से मिले हैं, मिल मालिकों से या उनके प्रबंध तंत्र से मिल करके कितना पैसा खाते हैं, जबकि जनता की कमाई का पैसा इनको तनख्वाह के रूप में मिलता है और सुविधाओं के रूप में मिलता है। तो आप यहाँ निश्चितकालीन के लिए बैठने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। स्वर्गीय रामलाल राही के जीवन को किताब पर उकेरने वाले RMP डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित ने आई इंडिया से बाबूजी के जीवन के अनुभवों को साझा किया। राही के संबंध में पुस्तक लिखने के इरादा कुछ इस तरह का नहीं था कि जैसे बड़ा कोई शोध प्रबंध लिखना चाहते हों, PhD या थीसिस या डीलिट कर रहे हों, ऐसा उद्देश्य नहीं था, और ना ही कोई शास्त्रीय ग्रंथ की रचना का था उस समय। लेकिन इधर जब से लोगों ने सुना कि हम किताब लिख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू किया, यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यही इन्हीं पर क्यों लिख रहे हैं। 1952 से लेकर के इधर जो चुनाव हुए हैं सीतापुर के, बहुत लोग नेतागिरी कर रहे हैं, नेता हुए हैं, तो उन नेताओं में से क्यों नहीं किसी को चुना, इस तरह न जाने कितने सवाल इधर पूछे गए हैं जब किताब का विमोचन हो गया है। तो जो विमोचन हुआ है उसके बाद भी लोग पूछ रहे हैं, आज ही पूछ रहे हैं, आज भी आपने सवाल यही किया है, तो जाहिर था कि हमारे मन में आया कि जो मैंने जो किया है वो ठीक किया है। ऐसे व्यक्त के किया जहाँ इतने लोग पूछ रहे हैं, इतने सालों से पूछ रहे हैं, किताब का विमोचन हो गया तब भी पूछ रहे हैं, तो आखिर कुछ तो है इनमें जो, तो मैंने ठीक किया है। लेकिन जिस समय मैंने लिखना शुरू किया था उसमें ये बात नहीं थी, उसमें और ये भी नहीं था कि हम कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहे हों, कोई PhD डिलीट कर रहे हों उनके ऊपर जो हम तब है कि शोध प्रबंध। एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हमने केवल ये देखा कि एक व्यक्ति ऐसे समाज से उभरा है, तो जीवन की
जो आवश्यकताएं होती हैं उससे भी वंचित है, गरीबी में पला हुआ है, एक ऐसी जात से जुड़ा हुआ है जो जात का उतना सम्मान इस तरह का नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने अपने हिसाब से अपना जो सामाजिक विकास किया था राजनीति में जो आए, तो उस समय ये सब नहीं था। या जो हम बता रहे हैं कि मतलब जो जीवन का जो रूप था उसमें ये आगे बढ़े, और एक ये भी था कि ऐसी जगह से जहाँ पर क्या नाम है वो राजा टोडरमल हुए हैं, वहीं लोहा उनके विले से जुड़े हुए, तो वो 16वीं शताब्दी में वो गए थे जब दिल्ली दरबार अकबर साहब के दरबार में, तो वहाँ पर जा करके कैसे गए ये तो नहीं पता है ज़्यादा नई जानकारी, लेकिन जा करके उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं टोडरमल जी ने, हमारा ख्याल धर्मशास्त्र से जुड़े हुए लिखे हैं, वो सैनिक भी थे, तो उन्होंने जो कहा और ज़मीन की पैमाइश कर उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो आज तक लोग उनको जानते हैं कि कैसे पहुँचे ये कम जानते हैं। उसी क्षेत्र से राही जी कैसे गए ये तो लोगों को मालूम था कि चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन वहाँ जा करके उन्होंने संसद में क्या कहा है, समाज के लिए क्या कहा है, उसमें ये टेलीविज़न जैसे आप तो वो सुविधाएँ भी नहीं थी। तो इन कारणों से हमने उनकी किताब का जानना चाहा कि आखिर ये आदमी कैसे क्यों आगे बढ़ा है। तो इनके घर में लाइब्रेरी भी किताबों की थी, जो शायद हमारा ख्याल है कि साधारण डिग्री कॉलेज के कॉलेजों में किताब नहीं होगी जो इनके पास थी। 5-5-6-6 डिक्शनरियाँ रखी, सब हिंदी संस्कृत उर्दू और अंग्रेज़ी, संविधान से जुड़ी हुई अच्छे अच्छे लेखक रहे हैं, उनकी किताबें हमने इनके घर में देखी, तो हमें लगा कि आदमी कम पढ़ा होते हुए भी इतनी इसमें ख्वाहिश है कि वो जानकारी करना चाहता है, और उसमें इतनी विल पावर है कि समझता है कि अगर हम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक और राजनीति से आगे बढ़ेंगे। तो उस समय तो ये था, लेकिन इधर आते आते जो किताब हमने लिखी तो उसमें दो बातें विशेष रूप से हैं। एक तो जो लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र से जाते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, और निर्वाचित होकर के जहाँ विधायिका में पहुँचते हैं वहाँ भी उनका दायित्व होता है कि वो अच्छी तरह से जो कानून बनाने की व्यवस्था है मानक हैं उनको जानकारी करना और वहाँ अपनी बात को कहना। तो देखा कि दोनों में हैं, और विशेष रूप से हमने ये देखा कि लोकसभा की जो कार्यवाही है उसकी इनको बहुत जानकारी थी, सवाल पूछते थे, ऐसा कोई नहीं सवाल था जो ये समाज से जुड़ा हो राजनीति से जुड़ा हो और ये पीछे रहते हों। इसी तरह से विधानसभा में तो हमने ये सोचा कि क्षेत्र की चीज़ों को तो हम देख लेंगे कि पुल बनाए नहीं बनाए, रेल का काम किया है, खेती के लिए क्या क्या है, लेकिन जो विधानसभा की और लोकसभा की कार्यवाही थी उस कार्यवाही को फिर हमने लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्षों से प्रार्थना की, उनसे आग्रह किया कि हम इस तरह से पुस्तक लिख रहे हैं तो कृपया हमें अपनी इजाज़त दें कि हम आपकी रिकॉर्ड का ले सकें और उसे प्रकाशित कर सकें। तो उन्होंने कुछ बंधन पर लगा करके रिकॉर्ड दिया, तो हम अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा इनके हम आभारी हैं कि यदि ये हमको अपना रिकॉर्ड न देते तो सदन की कार्यवाही का हम किसी भी विधा से न दोहा न चौपाई न
मतलब हिंदी उर्दू किसी भाषा में नहीं कह सकते थे और किसी विध से नहीं कह सकते थे। जो रिकॉर्ड हमको दिया उस रिकॉर्ड से हमने इनका जानकारी जो दी है। तो इस तरह से किताब लिखने का उद्देश्य यही था कि जनता जाने कि वहाँ क्या बोले हैं, क्या कहे हैं, किस तरह से बोले हैं, मानकों को माना कि नहीं माना है। अब मैसेज जो हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव रहा है, गरीबी भी रही है समाज में, तो आज़ादी के बाद जो बच्चे हुए हैं तो अगर वो हमारी पुस्तक को पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ उनसे सीख मिल सकती है कि राही की तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं और उसके ऐसे उपाय हम बता सकते हैं, हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। तो उस किताब से नए नवयुवक जो हैं वो राजनीति और नेता बनने के काफ़ी कुछ उनको इससे मिल सकता है। और यह भी हो सकता है कि चाहे जिस जात का आदमी हो, यदि वो अच्छी तरह से काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो वो आगे बढ़ सकता है, ऐसी सीख उसको मिल सकती है। रामलाल राही की स्मृतियां यादों में सदा ही रहेंगी। आई इंडिया रामलाल राही की 86वीं जयंती पर उन्हें याद कर नमन करता है। स्पेशल डेस्क आई इंडिया।